आसनों का अभ्यास करें, धीरे धीरे पैरों को सामने से उठाएं, श्वासों के साथ करते हुए फोर्स के साथ कंटिन्यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, सभी एक साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे क्रम में अभ्यास हो रहा है। रोकते अभ्यास, स्टॉप, वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। एकाग्रता विकसित होती है वृक्षासन से। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, दाहिने पैर के जंघा मूल में बाएं पैर के पंजे को आराम पूर्वक स्थित कर दें। सहजता से दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम मुद्रा में यहां पे स्थिर रुकना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है वृक्षासन। शारीरिक स्थिरता, मानसिक चंचलता दूर होती है, मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, एकाग्रता विकसित होती है। बच्चों के लिए बेहद ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से हाथों को नीचे लाए, पैर को नीचे लाए, इसी अभ्यास को दोहराना है दूसरे पैर से। अब दाहिने पैर को ऊपर उठाए, बाएं अंगूठे से पैर के पंजे को सेट करें, सहजता से दोनों हाथ ऊपर, गहरी सांस की ओर, सांसों को रोक कर रखें, सांसों को रोक लेकर आसन की अंतिम स्थिति
सहसा से हाथों को नीचे लाइए, धीरे से पैर को नीचे लाइए। यहां एक चक्र पूरा हुआ, एक बार और दोहराएंगे। ये अभ्यास कम से कम दो बार होना चाहिए। पुनः बाएं पैर के कंधे को धरती से जुड़ा बोल से दोनों हाथ खोलते हुए सीधा हो। यहां पे गहरी सांस भर लेना और सांसों को रोकने पर आसन की अंतिम स्थिति में इस रुके रहना। सहसा आप धीरे से वापस दूसरे पैर से अभ्यास। घरे श्वास इंटेक, हाथ ऊपर, एक सीध में पूरा शरीर खिंचा हुआ, वृक्ष के भांति। श्वास इंटेक करते हुए हाथों को खोलते हुए नीचे लाए, पैर नीचे वापस अपने स्थान पर शवासन में लेटे, पीठ के बल आराम की मुद्रा में, दोनों हाथ कमर के बगल में सीधा रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, आधी खुली आधी बंद। क्लोज योर आईज, आंखों को सहजता से बंद कर लें। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पंजे एक साथ मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ 30 अंश की ऊंचाई पर ऊपर उठा देना है और रोकना है, स्थिर रुकना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आजकल पेट निकलना आम समस्या हो गई है, महसूस करेंगे एब्डोमिनल मसल्स पे इसका पूरा प्रभाव, पूरा जोर पड़ता है। यह पेट को कम करने में सहायक अभ्यास है। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, हर दूसरे व्यक्ति का पेट बाहर निकला हुआ है। जिनको कमर दर्द है वो नहीं, धीरे से पैर को नीचे लाएं। ध्यान रहे सांसों को रोकने तक आपको पैर को स्थिर रोकना है। गहरी सांस इंटेक करिए, इनहेल, और पैरों को ऊपर उठा दीजिए 30 अंश की ऊंचाई पे। पैर को स्थिर रोकिए, पंजे खींचे हुए तने हुए स्थिर रुकने का अभ्यास। श्वासों को बाहर करते हुए धीरे से पैर को नीचे लाएं। पुनः एक बार गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर उठाइए, 1 2 नीचे, 1 ऊपर, 2 नीचे, 1 2 बल। अधिक समय तक होल्ड करना है। सहसा वापस क्लोज योर आईज, रिलैक्स, विश्राम की गहराई में प्रवेश कर जाइए। विश्राम का आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब शरीर थका हुआ हो। उधर भाग के पूरे हिस्से पर विस्तार में सांसों को भरते हुए पेट को गुब्बारे की भांति घुमाएं और सांस को छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए भीतर खींचाएं, जितना खींच सकता है। प्रत्येक श्वास के साथ उधर भाग विस्तार, पूरा विस्तार देना।
रोक दीजिए ध्यास, दोनों हथेलियां नाभि पर बांधने, फिंगर्स को मिलाते हुए नाभि पे लॉक करना है, हथेली नाभि पे हथेली का पूरा पूरा दबाव बनाना है। अब कोशिश करिए, सबसे पहले दोनों पैर पंजे एड़ियां घुटने मिलाइए, श्वास होते हुए सामने से ऊपर उठना, अपनी सामर्थ्य का आकलन करें। हथेलियों का पेट पर नाभि पर पूरा पूरा जोर देते हुए श्वास इनहेल करते हुए उठना है और ऐसे ही सहजता वापस चले जाना। पांच से सात बार इस अभ्यास को दोहराइए। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से आपका पेट का मोटा जाएगा। हर कोई एक अच्छा और सुंदर शरीर चाहता है, वैसे आसन में जो डॉक्टर संस्करण सिखाते थे जिनपे पेट पे पूरा पूरा जोर पड़ता है और फैट बर्न होता है, फैट रिलीज होता है। Yeah.
घुटने से मोड़ते हुए पेट बनाए, दोनों हाथों से पैरों को अच्छे से मार लें और माथे और घुटने के बीच से डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करना। अगर लगता है अस्पष्ट हो जाता है तो हम आसन यंत्र स्थिति माथा और घुटना आपस में लग जाए परफेक्ट आसन की स्थिति। वापस आते समय दोनों पैरों को छोड़ देना है शवासन में, दोनों हाथ कमर के बगल में, यहीं से पुनः दोनों पैरों को उठाना है, पेट पर लाना है और हाथों से लॉक कर देना है। इसी अभ्यास में रोलिंग करेंगे, स्पाइनल रोलिंग, सामने से उठते हुए, सामने से उठते हुए आगे पीछे, बड़ा ही आनंद मिलता है इस अभ्यास में। शरीर का पूरा तनाव, लगभग लगभग शरीर का संपूर्ण तनाव चला जाता है, शरीर में एक नई ऊर्जा संचार होती है। वापस शवासन में दोनों पैर सामने खोले, इसको वापस दीजिए, मैं लगता है दोनों हाथ कंधों की सीध में सीधा खोलेंगे, कंधों की सीध में सीधा मर्कटासन का अभ्यास करेंगे। दाहिना पैर ऊपर उठाएं, बाएं हाथ की हथेली तक ले जाएं,